हुआन Q620M जो मॉडल है आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो हमारा हुआन का पेन टैब है आज हम उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे वन बाय वन देखेंगे इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट दिए गए, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ये जो हमारा ग्राफिक टैबलेट है इसका जो वर्किंग एरिया है काफ़ी बड़ा होने वाला है, 6.2 इंचेस का जो वर्किंग एरिया है हम उसमें वर्क करेंगे वो है। और बाकी हम चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या क्या है बॉक्स में। तो ये आता है जो पेन हमारा होल्डर है, ये पेन होल्डर है, और जो ये हमारा स्टाइलिस पेन है जिससे हम अपनी ड्राइंग क्रिएट करेंगे, ये हमारा स्टाइलिस पेन है। और हम देखते हैं ये हमारा USB-C टाइप केबल है चार्जिंग के लिए, और ये इसका वायरलेस रिसीवर है जिससे हम अपने सिस्टम से अपने पेन टैब को हम इससे कनेक्ट करेंगे। और ये हमारा जो है मैनुअल डॉक्यूमेंट है गाइड करने के लिए, और इसमें मिल जाता है आपको OTG अडेप्टर सी टाइप और नॉर्मल जो आप यूज़ करते हैं फ़ोन में वो आप इससे फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी हम देख लेते हैं इसको कैसे यूज करना है। और ये हमारा जो पावर बटन है इससे हम अपने पेन टैब को ऑन करेंगे, और ये हमारा जो वायरलेस रिसीवर है इसको अपने डिवाइस में प्लग इन करना है, अपने PC में लगा लेना है या फिर अपने लैपटॉप में जिसमें अभी आपको लगाना हो उसमें आप लगा सकते हैं। अभी हमें इसका जो है ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो चलिए हम फटाफट यहाँ से अपना जो ड्राइवर है हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको अपना प्रोडक्ट मॉडल जो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम अपना प्रोडक्ट मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा Q620M, इस पर हम क्लिक करेंगे। अपना OS में हम अपना विंडो जो भी आपका जिस पे भी आप यूज़ करते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे, और कैटेगरी में हमें यहाँ पे ड्राइवर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे हमें यहाँ पे नीचे आकर देखेंगे आपको यहाँ पे जो विंडो से रिलेटेड जो भी यहाँ पे ड्राइवर हैं और यहाँ पे दिख रहा है आपको जो डेट ऑफ रिलीज और डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपको अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना है। तो देख सकते हैं यहाँ ड्राइवर हमारा जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अभी हमें इस पर डबल क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है ओल्ड वर्जन, या ये मतलब हमारे डिवाइस में जो भी ओल्ड वर्जन जो हमारा है ये डिटेक्ट कर चुका है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे में ये इसका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल है जो कि ओल्ड वर्जन का है। तो अभी हमें क्या बोल रहा है कि ये इसको अनइंस्टॉल करेगा, फिर अभी हम इसको जो इसका लेटेस्ट वर्जन है उसके बाद ही इंस्टॉल होगा। अभी ये हमारा जो ड्राइवर अनइंस्टॉल हो रहा है, अनइंस्टॉल हो चुका है, फिर हमें ये दोबारा जो लेटेस्ट इसका ड्राइवर है वो इंस्टॉल कर रहा है। देखिए यहाँ पे इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इसका देखेंगे कितना स्मूथ ये वर्क करता है। तो इसका जो वर्किंग एरिया है 6.2 इंचेस का वर्किंग एरिया होने वाला है, काफ़ी लार्ज होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ से इसका जो बटन दिया गया है आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का यहाँ पे शॉर्टकट आप यहाँ पे मैनुअली इंटर कर सकते हैं, अपना खुद का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको की वैल्यू देना है वो आप यहाँ पे जो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपको किस पे सेट करना है, माउस पे माउस का शॉर्टकट डालना है या फिर कीबोर्ड का शॉर्टकट देना है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है।
तो चलिए हम अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे अपने किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर लीजिए, हम उस पर इसको चला के देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये हमारा इलस्ट्रेटर जो है ओपन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। और अभी हम यहाँ पे कुछ ड्राइंग करेंगे, यहाँ पे ब्रशेस वगैरह चला के देखेंगे कि कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हम अपने ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे। देख सकते हैं आप कितनी इजली वे में हम अपना कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल फ्री हैंड टूल लग रहा है, मतलब बिल्कुल एकदम स्मूथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी आप यहाँ पे अपना प्रेशर, आप जितना भी प्रेशर आप स्टाइलिश पे देंगे उतना ही मतलब ठीक वो लाइन अपना ड्रॉ करेगा जैसा ही आप करेंगे। काफ़ी स्मूथ ड्राइंग हो रही है, काफ़ी एकदम, वो भी बिल्कुल इसका जो स्टाइलिश है बिल्कुल लाइट वेट है, आप बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने हाथ में कुछ पकड़ रखा है, इतना स्मूथ है, इतना लाइट वेट है। आप जैसे पेंसिल चला रहे हैं वैसे ही फील हो रहा है मुझे, एकदम पेंसिल की तरह ही लग रहा है, मतलब बिल्कुल लाइट वेट, एकदम से स्मूथ चल रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम अपना ब्रश टूल को ओपन करेंगे, यहाँ पे अलग अलग ब्रशेस को हम चला के यहाँ पे देखेंगे। तो हमें कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।